hello everyone jai hind welcome to the class today we will be talking about another topic that is preparation of important compounds okay so as mentioned in your syllabus we will going to discuss the preparation of soap glass paper cement and safety matches okay so let's get started with the class okay सो फर्स्ट लेट सी हाउ द सोप इज बींग प्रिपेड ओके तो सोप आप सबको पता है दैट इट इज अ बेस एंड वी यूज दोप राइट ओके ओके तो जो सोप होता है वो बेस है ये बनता कैसे है ये बनता है जब भी आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेते हैं बी इट द कोकोनट ऑयल और एनी अदर ऑयल ओके एंड देन यू एड सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस टू इट ठीक है तो आपको क्या करना है कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेना है कोकोनट ऑयल ओके okay? उसके बाद आपको उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो ऐड करना है ओके देन यू हैव टू स्टर एंड डिसॉल्व देम आपको दोनों को डिसॉल्व करना है स्टर करना है ओके okay? एक बार वो डिसॉल्व हो जाए उसके बाद आप उसे हीट करेंगे हीट करने के बाद आप उसमें कॉमन सॉल्ट को ऐड करेंगे NaCl को ऐड करेंगे ठीक है जैसे ही आप NaCl को ऐड करेंगे थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि यू नो इट विल गोइंग टू यू नो इट विल गोइंग टू चेंज ओके वो चेंज हो जाएगा और आप उसे डिजायर्ड मोल्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं ओके सो दैट इज हाउ द सोप इज बींग प्रिपेयर, ओके तो सोप कैसे प्रिपेयर होता है सबसे पहले आप कोई भी ऑयल या फैट लेंगे ठीक है यू विल गोइंग टू टेक दैट लाइक सपोज हमने कोकोनट ऑयल ले लिया ओके okay? और हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को एड किया स्टर किया डिजोल्व किया हीट किया हीट करने के बाद हमने कॉमन सॉल्ट ऐड किया और फिर उसे डिजायर्ड मोल में ट्रांसफर किया ओके ओके सो दिस इज इज हाउ द सोप सोप अब चलिए डिफरेंस डिफरेंस देख लेते हैं और डिटर्जेंट में क्या है जो सोप है उसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है ओके okay? जो डिटर्जेंट्स हैं उसमें सोडियम सल्फोनेट ग्रुप होता है देखिए ये सोप अभी हमने पढ़ा इसमें कौन सा ग्रुप है सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप सी ओ एन एके ये ये जो होते हैं दे आर नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग विथ हार्ड वाटर रिलेटिवली वीक क्लेंजिंग एक्शन होता है इनका ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं ईजली डिग्रेड हो जाते हैं डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनमें सोडियम सल्फोनेट होता है एसओ थ्री एन एके दे आर सूटेबल फॉर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही वाटर के लिए सूटेबल होते हैं इनमें स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एक्शन होता है एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मोस्टली क्या होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते डिग्रेड नहीं होते हार्ड वॉटर और सॉफ्ट वॉटर आपने सुना है तो हार्ड वॉटर में कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन आयरन होता है ओके दैट रिप्लेस सोडियम एट पोलर एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल ओके तो चलिए ये समझते हैं मेकेनिज्म ऑफ सोप एक्शन सोप जो है वो कैसे एक्ट करता है कैसे उसका फंक्शन होता है तो सपोज एक कोई क्लॉथ है उसपे यहाँ पे स्टेन आ गया है ओके ये स्टेन ऑयल का है ओके अब इस स्टेन के ऊपर अगर आप सोप रब करेंगे तो होगा क्या यहाँ पे माइसिली फॉर्मेशन होगा ये माइसिली कुछ ऐसे फॉर्म होगा इसमें हाइड्रोफोबिक हेड होगा और सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी ये जो टेल है ये वाटर रिपेलिंग है और ये जो हेड है दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग ठीक है राइट right? तो ऐसे ये हो गया माइसली फॉर्मेशन ओके नाउ यू नो इट विल गोइंग टू लोअर द सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन को कम करेगा ओके एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब भी आप वॉश करते हैं ओके okay, क्लोथ्स uh, को सो अलोंग स्टेन ऑल्सो गेट रिमूव्ड ओके यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है यहाँ पे वॉटर है ओके okay. और ये जो है ये स्टेन की तरफ पे है द हाइड्रोफोबिक ओके सो दिस इज हाउ द स्टेन गेट्स रिमूव्ड अलोंग विद द सोप ओके राइट बाय दिस माइसिली फॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ग्लास के बारे में तो ग्लास एक्चुअली एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है ठीक है ग्लास ना ही सॉलिड है ना ही यू नो इट इज नॉट कंप्लीटली अ लिक्विड इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड ओके ये हार्ड होता है ब्रिटल है इसका कोई भी यू नो प्रॉपर शेप नहीं है अमॉरफस है ओके सो इट इज कंपोज ऑफ सिलिकन ऑक्साइड्स मिक्सड विथ वेरियस मेटल ऑक्साइड्स ठीक है तो सिलिकन ऑक्साइड क्या है सैंड है ठीक है और यू नो डिफरेंट मेटल ऑक्साइड के साथ आप जब उसे मिक्स करते हैं तो वो ग्लास फॉर्म होता है ठीक है तो करना क्या है यहां पे सैंड है ओके यहाँ पे आप देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड है यहां पे सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको हीट किया गया है ओके राइट तो एज अ रिजल्ट आप यहां पे देख रहे हैं ग्लास का फॉर्मेशन हो रहा है ओके अमॉरफस सॉलिड्स हैल्सो मेक दे ओके तो होता क्या है जब भी ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये वेरियस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ग्लास का फॉर्मेशन होता है ओके फिर वो ग्लास को मोल्ड में ट्रांसफर किया जाता है ओके देन इट इज़ बीइंग सब्जेक्टेड टू यू नो अ लाइक अ सीरीज ऑफ टेम्परेचर्स ओके उसको पहले हॉट टेम्परेचर या यू नो लाइक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है फिर उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है इससे ट्रांसपेरेंसी आती है ग्लास में ओके okay?

मूविंग टू पेपर ओके तो पेपर जो बनता है ये बनता है इट कुड भी आपने शुगर केन देखा है गन्ना ओके okay, तो उसका जो भी रेसिड्यू होता है ओके okay, या जो वुड है ओके okay, उस उसकी पल्पिंग होती है पल्पिंग दो तरीके से होती है एक तो मैकेनिकल हो गई दूसरी हो गई केमिकल ओके okay, तो ये जो वुड है इसको ग्राइंड किया जाता है स्मॉलर फाइबर्स में ओके okay, इससे क्या होता है इट रिटेन्स मोर ऑफ लिग्निन लिग्निन एक नेचुरल बाइंडर होता है ठीक है बट द पेपर इज नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग ओके में क्या होता है कुछ केमिकल को यूज करके लिग्न को ब्रेक डाउन करते हैं ओके रिजल्टिंग इन स्ट्रॉगर पेपर ओके तो यहां पे ये जो दो मेथड हैं एक जो मैकेनिकल uh, पल्पिंग है उसको हम क्राफ्ट प्रोसेस कहते हैं जो केमिकल पल्पिंग है उसको हम सल्फाइड प्रोसेस कहते हैं ओके उसके बाद पल्पिंग के बाद पल्पिंग में क्या हुआ जो वुड है उसको ग्राइंड करके यू नो सिंपलर या स्मॉलर फाइबर्स में कन्वर्ट किया गया ओके okay? उसके बाद ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है ब्लीचिंग में जो भी एक्सेस कलर है उसको रिमूव किया जाता है जो भी रेजिडुअल लेग्निन है उसको रिमूव किया जाता है यू नो लाइक इट विल गोइंग टू रिजल्ट इन अ वाइटर प्रोडक्ट ओके उसके बाद शीट फॉर्म होती हैं उसी पल्प को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं स्लरी ओके इसी स्लरी को हम एक स्क्रीन uh, पे या मेश पे नेट पे हम उसको यू uh, नो you know, उसको स्प्रेड कर देते हैं टू फॉर्म शीट उसके बाद प्रेसिंग होती है प्रेस्ड शीट्स आर देन ड्राइड उसके बाद वो ड्राई किया जाता है फिनिशिंग की बात करें तो पेपर में अंडर सच एज कोटिंग्स फॉर स्मूथनेस और साइजिंग फॉर वाटर रेजिस्टेंस ओके सो मूविंग अ दी अदर यू नो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर तो पेपर की वेट और थिकनेस जो होती है इट इज मेजर्ड इन बेसिस वेट ओके एंड ओपेसिटी की बात करें तो so, ओपेसिटी तो आपको पता है कि लाइट कितना पास हो पा रही है ट्रांसमिट हो पा रही है दैट इज द ओपेसिटी ओके ट्रांसपेरेंसी में ऑल द लाइट इट इज बींग पासड ओके ट्रांसलूसेंट में कुछ लाइट पास होती है और जो ओपेक होता है उसमें कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है थ्रू द पेपर ओके okay? स रहती है tensile strength रहती है, है okay? तो ये कुछ पेपर की नेक्स्ट वी कम टू सीमेंट ओके देखिए सीमेंट आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन में वाइटल रोल ठीक है इन ऑर्डर टू जॉइन द ब्रिक्स टूगेदर ओके तो ये बाइंड करता है मटेरियल को एक साथ मोस्ट कॉमन टाइप का जो सीमेंट होता है वो होता है पोर्टलैंड सीमेंट ओके एक्स्ट्रैक्शन ऑफ रॉ मटीरियल्स तो सबसे पहले लाइम स्टोन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है ओके दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैल्शियम ओके इट इज ऑप्टेन फ्रॉम क्वेरी उसके बाद जो क्ले है या शेल है ओके इट प्रोवाइड सिलिका अलूमिनियम और आयरन ऑक्साइड फिर उसके बाद हम ओर लेते हैं आइदर सैंड ओर और आयरन ओर ठीक है दैट एट्स एडिशनल सिलिका अल्यूमिनिया एंड आयरन ठीक है तो ये आपको दिख रहा है कि दीज आर द रॉ मटीरियल्स कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है देन अलूमिना हो गया या यू नो सिलका हो गया एंड देन ओर राइट लाइक द सैंड और दर उसके बाद हम ये सारे रॉ मटीरियल्स को मिक्स करते हैं राइट दे आर फाइनली ग्राउंड इन टू अ रॉ मिक्स इसके बाद हम इसे हीट करते हैं किस में हीट करेंगे रोटेटरी क्लिन में वट इज अ क्लिन आपने ब्रिक क्लिन सुना होगा ठीक है ईट की जो भट्टी होती है जहां पे ब्रिक्स बनते हैं जहाँ पे ईट बनते हैं ओके okay, उसी तरीके से ये रोटेटरी क्लिन होती है इस मिक्सचर को एक हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इस प्रोसेस को क्लिंकरिंग का प्रोसेस कहते हैं ओके सो दिस इज नोन एज क्लिंकरिंग और जो भी नोड्यूल्स बनते हैं उन्हें हम क्लिंकर कहते हैं ओके okay? उसके बाद कूलिंग होती है क्लिंकर को कूल cool करते हैं एंड इट इज ग्राउंड इन अ फाइन पाउडर ठीक है क्लिंकर कूल हो गया एंड देन इट इज बीन ग्राउंड इन अ फाइन पाउडर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ एडिटिव्स का इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि सीमेंट में हम क्या यूज करते हैं राइट टू कंट्रोल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट तो हम जिप्सम यूज करते हैं दैट इज कैल्शियम सल्फेट ठीक है तो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट हम एड करते हैं ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग टू कंट्रोल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट ओके आपको पता है सीमेंट है ओके okay, वो अभी वो सेमी सॉलिड फॉर्म में है वो पूरा हार्ड नहीं होता है तो उसका जो सेटिंग टाइम है मतलब वो सेमी सॉलिड से सॉलिड कितनी देर में हो जाए दैट इज द सेटिंग टाइम ओके इसीलिए हम जिप्सम ऐड करते हैं ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग प्रोसेस जिप्सम क्या करता है सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है ओके देन द लास्ट वन इज द ग्राइंडिंग क्लिंकर में जिप्सम यू नो अलोंग विद्सम समटाइम्स अदर एडिटिव भी ऐड किए जाते हैं दैट रिजल्ट इन सीम ठीक है तो आप ये जरूर याद करिएगा कि एडिटिव इसमें जिप्सम है और इसमें जो प्रोसेस होता है ओके द रॉ मटीरियल मिक्सड एंड हीटेड उसको का प्रोसेस कहते हैं ओके दैट इज नोन एज ठीक है उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो फाइननेस हीट ऑफ हाइड्रेशन ठीक है लाइक द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दैट अकर दर्वन सीमेंट रियक्ट विद वॉटर कलर ग्रे होता है ड्यूरेबिलिटी केमिकल कॉम्पोजिशन हाइड्रेशन सेटिंग एक्सपेंशन ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट ठीक है उसके बाद आते हैं हम पेंट्स पे ओके okay, पेंट आपको पता है कि पेंट कोई भी मटेरियल है ओके okay, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम पेंट करते हैं ठीक है तो पेंट इज एक्चुअली अ मिक्सचर इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बेस होता है पिगमेंट होता है बाइंडर हो गया सॉल्वेंट हो गया और एडिटिव हो गया ठीक है अब देखिए जो बेस होता है जैसे कि अगर आपको वाइट पेंट करना है या ब्लैक पेंट करना है तो आप एक बेस यूज करेंगे ठीक है उससे क्या होता है कि जो क्रैकिंग आती है कभी कभी पेंट करने के बाद थोड़ा सा क्रैक सा दिखता है ओके तो वो नहीं दिखेगा इफ यू आर यूजिंग द बेस ओके तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ यू आर यू नो यूजिंग वाइट और ब्लैक पेंट और यू नो एनी डार्क कलर पेंट ठीक है तो बाइंडर का, का काम क्या होता है बाइंडर जैसे कि रेजन होता है इसका काम होगा कि सरफेस से पेंट को बाइंड करना ओके अढ़ेर रखना ज्वाइन करना ओके तो इसमें कुछ बाइंडर्स में एक्राइलिक्स है एपोक्सीस है पॉलियरिथेन्स है ठीक है उसके बाद आते हैं पिगमेंट्स की बात करते हैं अगर आपको कोई लाइट शेड का कलर करना है ओके okay, तो आप उसमें पिगमेंट ऐड करते हैं ओके सो पिगमेंट फाइनली ग्राउंड पार्टिकल्स होते हैं दे प्रोवाइड कलर एनओपेटी टू द पेंट ओके दे ऑल्सो विल गोइंग टू हेल्प इन द पेंट ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू फेडिंग उसके बाद सोलवेंट है जिसको हम कैरियर भी कहते हैं इसको हम वेहीकल भी कहते हैं ठीक है ओके okay, तो सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्वेंट लिक्विड uh, होगा ठीक है बिकॉज इट इज सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा पेंट के लिक्विड पार्ट दैट इवेपोरेट्स एज द पेंट ड्राइज ओके जैसे ही पेंट ड्राई करता है जो लिक्विड पार्ट उसका इवेपोरेट हो जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं ओके okay? तो ये पेंट को लिक्विड स्टेट में रखता है अंटिल अप्लाइड एंड देन इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द ड्राई पेंट फिल्म ओके कुछ कॉमन सॉल्वेंट है राइट लाइक वाटर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हैं, ठीक है? एडिटिव्स की बात करें तो ये थिकनर्स होते हैं लेवलिंग एजेंट्स होते हैं, होते हैं, होते हैं okay? so paint. Paint में पहले फॉर्मुलेशन किया जाता है डिटमिन किया जाता है कि उसका क्या कलर फिनिश ड्यूरेबिलिटी हो वेइंग मिक्सिंग पे ग्राइंडिंग पे लेट डाउन पे भी ध्यान दिया जाता है ठीक है लेट डाउन क्या होता है ग्राउंड पिगमेंट बाइंडर मिक्सचर ठीक है ये जो पिगमेंट और बाइंडर मिक्सचर होता है इसको कंबाइन करते हैं सॉल्वेंट कैरियर या वेहीकिल के साथ उसी प्रोसेस को हम लेट डाउन प्रोसेस कहते हैं ओके फिर क्वालिटी भी चेक किया जाता है विस्कोसिटी चेक चेक किया जाता चेक किया जाता जाता है है ड्राइंग टाइम दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ओके राइट तो इसमें देखिए इसकी प्रॉपर्टी में एडिशन है कलर ड्यूरेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ओपेसिटी ड्राइंग टाइम ईज ऑफ एप्लीकेशन ठीक है रेजिस्टेंस टू केमिकल्स नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज सेफ्टी मैचेस तो आप सबने मैचेस uh, देखे हैं राइट द सेफ्टी मैचेस तो जो उसपे यू नो जो लाइक वेन वी स्ट्राइक द मैच ओके विद स्टिक तो आपको पता है फ्लेम प्रोड्यूस होगा ठीक है राइट तो ऐसा क्यों होता है बिकॉज ये जो मैच स्टिक का लाइक ये जो मैच बॉक्स है ठीक है आपने देखा है यहाँ पे ऐसे रेड रेड यू नो रेड कलर का ऐसा बना होता है ओके okay? तो ये हो गया आपका स्ट्राइकिंग सर्फेस ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है एक्चुअली रेड फास्फोरस होता है और जो मैचस्टिक है उसका जो हेड होता है उसमें होता है पोटेशियम क्लोरेट ठीक है तो जब हम मैचस्टिक को इस सर्फेस uh, पे स्ट्राइक करते हैं तो यू नो लाइक इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द फ्लेम ओके सो यस वुड स्टिक आर सोक्ड इन अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट टू मेक देम लेस फ्लेमेबल देखिए जो मैच हेड है इट इज प्रिपेयर बाय डिपिंग द वुड इनटू मिक्सचर ऑफ केमिकल इसमें एंटीमिनी ट्राइसल्फाइड होता है और पोटासियम क्लोरेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है एंटीमिनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटासियम क्लोरेट ठीक है मैच है uh, ये जो प्रिपरेशन ऑफ मैच हेड है कि ये जो रेड फॉस्फरस है यही इसके मैचस्टिक के हेड पे भी अपलाई uh, you know, कर दिया जाता है सो वेर एवर यू गोइंग टू स्ट्राइक इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द फ्लेम ओके जनरली जो हम मैच बॉक्स देखते हैं जो मैच बॉक्स के ऊपर जो रेड Uh, you know, स्क्यर में होता है दैट इज द रेड फॉस्फरस और मैच स्टिक के हेड पे होता है पोटासम क्लोरेट ओके तो जब हम उसे स्ट्राइक करते हैं रिएक्शन होता है और फ्लेम प्रोड्यूस होता है सो दिस इज ऑल अबाउट इट ओके सो सेफ्टी मैचेस दे आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंटल इग्निशन बिकॉज यू नो हर इग्निशन कॉम्पोनेट्स आर सेपरेटेड इग्निशन प्रोसेस रिड्यूस टॉक्सिटी फ्लेम रेग्यूलेशन एंड सेफ्टी फीचर्स ओके सो ये सेफ्टी मैचेस जो इस तरीके से डिजाइन करते हैं टू इफ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्ट्राइकिंग सर्फिस अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है स्ट्राइकिंग सर्फिस के साथ तो इट विल गोइंग टू एस्टिंग क्विकली ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ठीक है हमने सबकी प्रिपरेशन देखी ओके द सेफ्टी मैचेस पेंट ग्लास सीमेंट ओके एंड सोप right so this is the end of the class before ending the class let me tell you that there are so many batches going on for nda for cds for fcat for territorial army okay and also for the interviews so yes if you want to enroll in the courses for better concept clarity please do use this code warrior10 in order to avail 10% discount on all of the mentioned courses okay so yes ending the class on this thank you so much for joining in Yes, hard, अगर आप एक डिफेंस मोटिवेटेड जय और एस एस बी इंटरव्यू एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं